जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि नोबिता डोरेमोन की पॉकेट के अंदर चला जाता है। अब आगे, अरे रुको, पूरा इंट्रोडक्शन तो होने दो। हाँ, और अब वीडियो थोड़ी लेट आ सकती है क्योंकि मेरे स्कूल शुरू हो चुके हैं, तो वीडियो बहुत लेट आएगी, बहुत मतलब आ ही जाएगी, हफ्ते में 2-3 वीडियो तो आ ही जाएगी, सो आप समझ लेना। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ एपिसोड 3 ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पार्ट 2 द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। लेट्स स्टार्ट। सो जैसे ही नोबिता और शिज़ुका उस पॉकेट के अंदर जाते हैं, वो निकलता है एक सुनसान रोड पर जहाँ पे डोरेमोन नहीं होता, बस उसकी पॉकेट होती है। ये देखकर नोबिता समझ जाता है कि डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट यहाँ पर गिर गई है, लेकिन डोरेमोन कहाँ है इसका पता नहीं लगा पाता। जान भी उनके साथ होता है। वो सब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है डोरेमोन को। वो जगह कौन सी होती है किसी को नहीं पता, ना ही डोरेमोन को, क्योंकि डोरेमोन तो उन्हें मिला ही नहीं था। वो बहुत सारी जगह देखते हैं, लेकिन आसपास में सारी बिल्डिंग टूटी हुई थी और सारी गाड़ियाँ तहस नहस हो चुकी थी और रोड पूरा सुनसान था और रात भी हो चुकी थी। उसके बाद उस बिल्डिंग में से ज़ॉम्बी की फौज आ जाती है और वो भी नोबिता पर अटैक करने के लिए, और वो पीछे लग जाता है नोबिता, डोरेमोन और शिज़ुका। सॉरी, मुझे लगता है मैंने डोरेमोन कह दिया, जियान के। वो जोर जोर से भागने लगते हैं और बीच में ही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सुनियो उसकी कार लेके आता है, यानी कि सोने की चिकी, और पता नहीं उसको ड्राइविंग कैसे आ रही है, और वो डायरेक्ट बचा लेता है उन तीनों को और लेके सीधा पहुंचता है एक अंडरग्राउंड बेस में। और जब जियान पूछता है कि आखिर तुम्हें गाड़ी कैसे आई और ये जगह कौन सी और हम है कहाँ, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, तो सुनियो कहता है कि ये हमारा ही शहर है और यह गाड़ी सोने की चिकी है और सोने की चिकी ने मुझे पहले सिखाई हुई थी, और मैं यहाँ पर पहुंचा कि डोरेमोन जब नोबिता भाग गया तो डोरेमोन ने मेरी मदद की और वो नोबिता को ढूंढने के लिए भाग गया और मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गया, और मैं सोने की चिकी कार लेकर आ गया शहर में। वहाँ पर मैंने देखा कि सारी बिल्डिंग टूटी हुई थी और ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स सारी तरफ फैल चुका था, और अब उनको तरीका ढूंढना होता है कि वो कुछ कर सके। तो इसके लिए नोबिता एक ट्रिक बताता है कि वो जाएंगे पास्ट में, हाँ टाइम मशीन से वो पास्ट में जाएंगे और वो बदलेंगे फ्यूचर को। लेकिन नहीं, ये प्लान काम नहीं करने वाला था क्योंकि टाइम मशीन पूरी खराब हो चुकी थी। सो अब यहाँ पे बैठकर तो कुछ होने नहीं वाला था, तो नोबिता उठता है और डोरेमोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और शिज़ुका कहती है कि नहीं नोबिता, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। फिर भी नोबिता कहता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकती, ये बहुत खतरे वाला काम है, मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। समझ रहे हो आप? लेकिन तब शिज़ुका कहती है कि डोरेमोन तुम्हारा ही नहीं, हम सबका भी दोस्त है, उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और जैसे वो बाहर जाता है डोरेमोन की, और वो निकल पड़ता है बाहर, उनके पास डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट होती है जिसमें बहुत सारे गैजेट होते हैं। नोबिता उन गैजेट से कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेता, इसलिए वो सब जाते हैं बाहर। ज़ॉम्बी उन पर फिर से अटैक कर देते हैं, लेकिन सुनी किची के गाड़ी में बैठकर सब लोग वहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं डायरेक्ट सुनियो के घर जहाँ से शुरू हुआ था ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब नोबिता को याद आता है टाइम बेल्ट, जिस बेल्ट को पहनकर आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, ये हमें कुछ एपिसोड में दिखाया भी गया है। सो नोबिता इसको यूज कर जाता है फ्यूचर में, हाँ फ्यूचर में, ना कि पास्ट में। वो फ्यूचर में जाकर डोरामी से कहता है कि डोरामी कुछ तो करो, कि पास्ट में कुछ तो हो चुका है, और पास्ट में ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स हो चुका था लेकिन उसका असर फ्यूचर में क्यों नहीं पड़ा, इसकी गारंटी माने हो, मतलब मैं क्या बताऊँ कि इसका असर फ्यूचर में नहीं पड़ा था, ये कैसे हुआ कि पास्ट में अगर ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स हो चुका है तो फ्यूचर में भी होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर तो पूरा ठीक ठाक था। तो इससे नोबिता और भी डर जाता है और डोरेमोन को लेकर आता है पास्ट में, और पास्ट में आने के बाद वो देखते हैं कि पास्ट में तो ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स है ही नहीं, और फ्यूचर कैसे बदल गया, पास्ट में ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स कहा गया
और डोरेमोन है आखिर कहाँ, ये सब जानने के लिए देखिए व्हाट इफ का पार्ट 3।